हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो बोनसाई दिखा रहे हैं दोस्तों, उसको हम वाइंड शेप्ड आकृति देना चाहते हैं। तो आज के वीडियो हम दिखाएंगे कि इसको कैसा शेप देंगे। ये जो मैं टहनी दिखा रहा हूँ उसको हम मोड़ेंगे और शेप देंगे दोस्तों। कि जो वाइंड शेप्ड आकृति में होता यह है कि सारा ब्रांच एक साइड झुका हुआ होता है हवा के प्रवाह के कारण। तो आज हम वो दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग को। सबसे पहले एक तांबे का या एल्युमिनियम का तार लीजिए, वायर लीजिए और उस वायर को लपेटते जाइए दोस्तों एक साइड। आप ध्यान रखिएगा, एक हाथ से अच्छे से पकड़ के ऊपर की ओर मोड़ते चलेंगे। ये सेकंड वाले टहनी को हमने अभी मोड़ा है। बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है दोस्तों इस वायरिंग करते टाइम। अब देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रेक आ गया था ब्रांच में, तो हमने यहाँ पे टेप कर रहे हैं हम लोग और ये टेप हो गया दोस्तों, ये फिर से जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रांच को हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा से ये शेप बन रहे दोस्तों। अब ये लास्ट वाली ब्रांच को हम कोशिश कर रहे हैं मोड़ने का, लेफ्ट हैंड से पकड़ के राइट हैंड से ऊपर करते हैं हुए हम ऊपर की ओर। तो दोस्तों, वाइंड स्वेप्ट स्टाइल वाला बोनसाई हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जब इसमें पत्ती आ जाएंगे दोस्तों तो और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे दोस्तों बाद में इसको। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर लुक ये दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल में आपने है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।